हरियाणा के मेवात जिले में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसका अंदाजा आप डिगर हेड़ी गांव की इस घटना से लगा सकते हैं। यहां बदमाशों ने एक घर में घुसकर पहले एक दंपति को मौत के घाट उतार दिया, बाद में घर में मौजूद दो नाबालिगों से रेप किया। इस घटना में बदमाशों ने 6 लोगों को घायल भी कर दिया। खबरों के मुताबिक ढीगरहेड़ी गांव में सुबह लगभग 2 बजे इब्राहिम अपने परिवार के साथ घर पर सोया हुआ था, तभी कुछ बदमाशों ने घर में घुसकर तेज धार हथियारों से परिवार वालों पर हमला कर दिया। इस हमले में इब्राहिम और उसकी पत्नी रसीदन की मौके पर ही मौत हो गई। इतना ही नहीं, परिवार के घायल सदस्यों ने आरोप लगाया है कि बदमाशों ने घर में मौजूद 2 नाबालिग लड़कियों से गैंगरेप भी किया। इसके बाद बदमाश उन्हें रस्सी से बांधकर भाग गए। परिवार के लोगों से इस घटना के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इन लोगों की किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, कुछ अज्ञात लोगों ने इन पर तेज धार हथियार से हमला कर दिया जिससे मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हालांकि आरोपियों के बारे में अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार एक्सप्रेस।